आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। रामलीला मैदान में किसान संगठन जुट रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर से 400 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे। एसकेएम के आह्वान पर ये महापंचायत बुलाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। तो किसानों की महापंचायत है, देश भर से 400 से अधिक किसान संगठन यहाँ पहुंच सकते हैं और किसान आंदोलन को लेकर भी यहाँ पर बड़ा फैसला किया जा सकता है। तो चार बार बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कुछ भी किसानों को लेकर साफ नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर किसान आज महापंचायत करेंगे दिल्ली में। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला यहां पर किसान कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हो सकता है आज की बैठक में। देखिए, साफ तौर पर एक बड़ी महापंचायत राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज हो रही है। तमाम दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, तमाम लोग, बड़ा शीर्ष नेतृत्व तो भी किसान संगठन के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज इस महापंचायत में जिस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा बनाई जाएगी कि आने वाले समय में किस तरीके से तमाम किसानों को संयुक्त रूप से होकर फैसले लेने हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है, तमाम चीजों पर यहाँ बातचीत संभव है। बता दूं आपको कि रामलीला ग्राउंड जो कि तय किया गया था, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट, यहाँ पर ये महापंचायत हो रही है, वहाँ पे काफी समस्याएं किसानों को देखने को मिल रही है। सीवरेज का पानी वहाँ पे छोड़ दिया गया है, किसान असमर्थ है वहाँ बैठने में। तो दिल्ली पुलिस ने जो जगह दी गई है रामलीला ग्राउंड, इसके अलावा किसान जहाँ बैठ रहे हैं वहां पर बैठने से किसानों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी किसानों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जहाँ उन्हें बैठना था वहां पे काफी समस्या है, पानी छोड़ दिया गया है सीवरेज का, तो ऐसे में किसान कहाँ बैठेंगे। और इस महापंचायत के तहत तमाम मुद्दे जो बीते दिनों लोग केंद्र सरकार के सामने उठाए गए हैं, तमाम चीजों पर यहाँ पर आज बातचीत होगी और एक नया रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। जी रवि, सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया है जहाँ किसानों को बैठना है, तो माहौल अभी कैसा है, क्या नाराजगी है किसानों में? बिल्कुल, देखिए किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना था, हम यहाँ पर बैठने आए थे, हमें जिस तरीके से रोका जा रहा है ये साजिश है, जिस तरीके से सीवरेज का लाइन काट कर यहाँ पानी यहाँ छोड़ दिया गया है और पानी के कारण जो किसान है वहाँ पर बैठने में असमर्थ हैं, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे में इस तरीके से महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उसको किस तरीके से सिरे चढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इसको सार्थक बनाया जाएगा। किसान आसपास की जगहों पर खड़े हैं और प्रशासन वो चाह रहे हैं कि किसान अंदर आ जाए, क्योंकि किसानों के लिए ये जगह सुनिश्चित की गई है रामलीला ग्राउंड, इससे बाहर खड़े होने की परमिशन नहीं है। जी शुक्रिया रवि ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर यह महापंचायत बुलाई गई है। देश भर से 400 से अधिक संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज किसानों की दिल्ली में महापंचायत है। कोई बड़ा फैसला किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर हो सकता है।